सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लॉग में। और हम शनिदेव के मंदिर से नाश्ता करने के बाद, जो कि पिछले वीडियो में दिखाया गया था, हम पहुंच गए बरसाना देहात की ओर। यहां पर जो है कीर्ति मंदिर, जो कि राधा की माता का मंदिर था, वो भव्य है। और नंदगांव देखते हुए बस से ही हम बरसाना पहुंच गए। यहाँ कुछ सुंदर मंदिर हैं बरसाना में, राधा का मंदिर है आगे, और पीछे ये जो है जिसमें हम जा रहे हैं वो कीर्ति देवी का मंदिर है बरसाना में, जो राधा रानी की माता का मंदिर है। और ये जो है कीर्ति मंदिर है, ये बरसाना के अंदर है। नमस्कार जी भाई साहब। तो भाई ये बरसाना के अंदर है जी। हाँ, ये बरसाना देहात है। कीर्ति रानी का मंदिर है जी। हाँ ठीक ठीक। कुमारी है, मम्मी का मंदिर है, राधा रानी की मम्मी का मंदिर है जी जी जी। और राधा रानी का मंदिर अगले पहाड़ पे, राधा रानी की माँ का मंदिर है। कितना भव्य और सुंदर बनाया हुआ है। आगे हम नहीं बढ़े, एक बताते हैं यही बरसाना ग्राम में जो है राधा का मंदिर भी है। आगे देखेंगे कैसे मंदिर है वो। और यहाँ जो मंदिरों में गार्ड लगे हुए हैं, वे फोटो नहीं लेने देते अंदर की मूर्तियों के, और ना ही वीडियो बनाने देते। बहुत दर्शक आए हुए हैं इस मंदिर की भव्यता देखने के लिए। और ये राधा रानी और श्री कृष्ण का अच्छे अच्छे फोटो तस्वीरें यहाँ बनी हुई है। और ये हमारे साथ जो मास्टर अनिल और सोनू वगैरह गए थे, इन्होंने यहाँ इनके सामने फ़ोटो खींचे और अपने कुछ यादगार पल बनाए। और इसका एक ट्रस्ट है जिसके द्वारा इनकी भव्यता और सुंदरता बनाए रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है। जगत गुरु कृपाल जी महाराज जो है ना, ये पीछे जो तस्वीर थी, उन्होंने ये रंगीली महल है, इसके अंदर भी कुछ मूर्तियां हैं और कमरे हैं। और जो बुक स्टॉल, यहाँ दो तीन बुक स्टॉल है और सामान की दुकानें हैं कृपालु महाराज की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए। सुंदर नजारा है। और यहाँ वीडियो बनाने के बाद, फोटो खिंचवाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना भव्य सुंदर मंदिर है, और इसके जो ये लगे हुए हैं गुम्बद से, ये दिख रहे हैं जैसे सोने के हों, और बहुत ही चमकदार और बहुत ही सुंदर मंदिर दिखता है। बहुत पैसा इसमें लगाया गया है और कीर्ति मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ये पहला मंदिर था। और आगे हम बढ़ते हैं बरसाना की, और जो बरसाना में जो है पुराना राधा का मंदिर है, और जहाँ वर्षवान राधा के पिताजी रहते थे, उनकी ओर बढ़े। तो अगला ब्लॉग जल्दी लेकर आएंगे, कल लेकर आएंगे राधा रानी का पुराने मंदिर का ब्लॉग। धन्यवाद, नमस्कार, सब्सक्राइब करके रखना।